लोग बात आगे बढ़ाएं? पहले देख लो वो लोग क्या कहते हैं। ओफो, तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो पता है वो लोग हाँ ही कहेंगे। कैसे पता है आपको? और जो भी है ये लास्ट आई था। ओके देख, अभी तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, अभी माँ को पूछ। 17 रिजेक्शन के बाद मिली थी मुझे। ये सब यहाँ लिखा होता है यहाँ। बारिश हुई थी, अचानक ये गाड़ी के सामने टूट पड़ी। टूट पड़ी मतलब सुइसाइड? हाँ। एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है याद है? घंटा पहले यहाँ एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हुआ था, बुर्का पहनी हुई थी, किसी ने कुछ देखा? नहीं। कोई जानता है वो कौन थी? वो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं आसपास, बुर्के में कौन है कैसे पता चलेगा साहब? ये तो उस कुत्ते वाली का है। किसका? नाम तो नहीं पता साहब, सब इसी नाम से बुलाते थे उसे। रहते कहाँ है? वो सामने गली दिख रही ना साहब, उसके बाद एक तालाब आएगा और तालाब के बाद एक जंगल, बस वहीं पे एक छोटा सा घर है। साहब एक बात बोलूं, बुढ़िया बड़ी अजीब सी थी, पगली सी, किसी से बात नहीं करती थी, सड़क के कुत्तों को अपने घर ले जाती थी, इसीलिए सब उसे कुत्ते वाली कहते थे। आसपास देखो कोई है कि नहीं। रात को सड़कों पे घूमती रहती थी, अकेले बैठकर जोर जोर से रोती थी, कभी कभी उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी। कोई है वहां पे? नहीं सर, उधर कोई नहीं है। पुलिस से हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाँ खोल दूँ? अम्मी आके खोलेगी। तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल जाना पड़ेगा तुमको।
सॉरी, एकदम से गाड़ी के सामने आ गई थी, हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे। साइन करें, साइन। घर पे और कोई है? कोई रिश्ते? ये बॉडी कल पुलिस मॉप से ले लेना, डिस्चार्ज का 300 रुपये होता है, अभी देना है। हाँ वो मैं देता हूँ, ले लो। अम्मी के साथ क्या कर रहे हो? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, छानबीन करनी होती है ना। आप मुर्दाघर कैसे जाओगी? मैं लेके जाऊं? मैं लेके जाऊंगा। तुझे जाने की क्या जरूरत है? बेचारी का कोई नहीं माँ, किसी को तो साथ में जाना चाहिए ना। तो हमें इससे क्या, क्यों घुस रहे सबके बीच में बिना मतलब के? बिना मतलब के? माँ मैं सामने बैठा था, मुझे पता है वो सुसाइड नहीं था। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव वालों ने जो भी बोला उससे तो पुलिस वालों को यही लगता कि सुसाइड ही किया होगा। लेकिन वो लड़की, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेगी? अरे नहीं मैडम, उसको तो अपने बाप का नाम तक नहीं पता है। आपको नहीं मालूम उसकी माँ उसे बांध के रखती थी जानवर की तरह। क्या जमाना आ गया, देख लूट मार के डर से लोग असली सोना भी नहीं पहनते आजकल। लाश आई है, एक्सीडेंट में मरी थी, मुसलमान है। तो जनाजे पे आऊं? नहीं, उसके हाथ पे वो वाला निशान है। निशान? हाँ, औलाद चेक करना। अभी आप अपने आप खाना शुरू कीजिए, समझ गए? बहुत हो गया। मुखर, आए। अच्छे से चबा के खाओ। बांग्लादेश ट्रिब्यून में एक खबर निकली है, आपने देखी? तुमने हुसैन साहब वाला पॉइंट नोट किया? बांग्लादेश ट्रिब्यून कर लिया सर। सातखिरा के पास कुछ बच्चों के सर मिले, उसमें नई बात क्या है? पहले भी मिले थे ये लिबरेशन वॉर की लाशें, पता नहीं अल्लाह जाने कब तक मिलेंगे। हाँ पर पेपर के हिसाब से ये लिबरेशन वॉर की नहीं, कयामत आंदोलन की है। सर आपसे एक बात पूछूं? आपने कभी जिन को देखा? नहीं। दादू ये जिन क्या होता है? जिन क्या होता है समझाओ। तुम्हारे अंदर कुछ बुरे ख्याल होते ना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रात को जल्दी नहीं सोऊंगा, काम के वक्त बेकार के सवाल करूंगा, इधर उधर की बातें करूंगा। हाँ ये होता है तुम्हारे अंदर का जिन, जिसको क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। शैतान बहुत खतरनाक होता है। इफ्रित से भी खतरनाक?
के पास कुछ बच्चों के सर में पेपर के हिसाब से ये कयामत आंदोलन की कर लो सब ठीक है। फारिस आप कहाँ से? बारा। ओह बस 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 थोड़ी देर की बात। कहाँ रहती हो तुम? हाँ घर पे कौन कौन है? और इसको रखो वापस। क्या करिए लग जाएगा वापस करो इसको लग जाएगा तुम्हें। सुन लो क्या कह रहा हूं वापस करो इसको लड़की वापस कर इसको। आगे देखते हैं ना राइट पे मेरा घर आएगा। बेटी है उसकी? हाँ और भी बेटी है या बस एक ही? से आपको क्या मतलब? नहीं नहीं ठीक हो। और बेबी काम चालू कर दो गुस्सा हो चुका है। आ जाओ अब थोड़ा सा साइड। अल्लाह ही मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम
खुशबू है वो। नहीं, रोको से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा सुनिए, हो गया अब, थैंक यू, हो गया। हाँ जाऊंगी। श्योर। एक मिनट, जरा ये होल्ड करना एक बार। ये रख लो आप। नहीं रख लो, काम आएगा। ठीक है फिर चलता हूँ मैं। ताला किस तरफ है? नहीं आप रख लो, कोई बात नहीं, आपको जाना पड़ेगा ना। बाय। ओके, नहीं मतलब
थैंक यू. एक्चुअली कुछ और भी बताना था. मिल सकते हैं आज? मेरी शिफ्ट 4 बजे खत्म होती है. पहले यहाँ हर साल आती थी बुक फेयर के लिए. कितना अच्छा होता था. नहीं पता नहीं क्यों शिफ्ट कर दिया. आप कुछ कहने वाली थी? वो उस दिन जिस लड़के के बारे में बताया था. अच्छा वो बाइक वाला डॉक्टर? हाँ वही बाइक वाला डॉक्टर. वो ऐसे नहीं खत्म हुआ था. सीरियस था. 4 साल चला था और फिर और फिर एक दिन खत्म हो गया. तुम ये सब सुन के शादी के लिए मना तो नहीं कर दोगे? मैंने घर पे एक्चुअली बोल दिया है. नो नो नो. निकलो मैं समझता हूँ.
पी लो उसको। गरम है, फूंक मार के पियो। अच्छा बताओ कौन मारना चाहता है आपको? वो आदमी जिस कड़ी लेके आए थे। कौन आदमी? आप जानती हो उसे? छोटी थी तो दिखा था। कहाँ? पहाड़ में। अम्मी हम पहाड़ में रहते थे, वो आया था। अम्मी ने रस्सी खोली और बोला भाग भाग। हमारे पीछे था, बहुत भागी, थक गई, फिर भी भागी, फिर बच गई। क्यों मारना चाहता? नहीं पता, मम्मी ने नहीं बताया। तो उस आदमी का नाम बताया आपको? यहाँ कैसे पहुंची आप? चल के आई। सॉरी, ये लो दवाई है, खुद लगा लो पैर में। मैं ग्लास पकड़ू? नीचे से दबाओ। कब उठी? चाय पियोगी? तब बताओ, पुलिस के पास जाना है? नहीं, पुलिस नहीं बताया उसको। कैसे पता? पुलिस को पता है मेरा घर कहाँ है। वो तो मुझे भी पता है, तो क्या मैंने बताया उन लोगों को? तब कहाँ जाओगे? कोई तो होगा आपका, या नहीं तो और कहीं? अच्छा ठीक है, आप यहाँ रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, टेबल पे आपका खाना रख देता हूँ ढक के, अब टाइम पे खा लेना है, और दरवाजा मैं बाहर से बंद करके जाऊँ? नाखून कैसे काटूंगी? हाँ, नाखून। कैसे वारिस? आलम साहब से बात हुई?
हाँ वो कह रहे हैं कि एक दो दिन और लगेंगे। वो दिख तो जाती है लेकिन उसको बस में करना बहुत मुश्किल है। क्या बताओ फारिस, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर? तीसरी दफा वो लड़की हासिल आंदोलन शुरू करने से पहले आपने कहा था प्रोफेसर, कयामत को रोकना, इफ्रत को रोकना बहुत मुश्किल है। साहब ये इफ्रित दिखता कैसे? इफ्रित दिखता नहीं है कन्हैया, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। सिर्फ उसकी इर्द गिर्द रहती काला पूरी दिखाई देती है जो हम तक उसका पैगाम पहुंचाती है। इफ्रित नजर के परे है कन्हैया। रुखसाना रुखसाना आप अंदर हो? क्या हुआ आपको? खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं थी। सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख कैसे नहीं थी? आओ साथ में खाते। अच्छा एक मिनट, ये आपके लिए। लीजिए आपके लिए।
most of the promises which are being given and will be given in Paris. My expectation is that बदल दो, बांग्ला चैनल देखनी है। ये समझ भी आएगा? देखने देना। आपने टीवी पहले देखा है कभी? ओ हाँ, एक आश्रम ढूंढा है आपके लिए। सुना है बहुत अच्छी जगह है। कल मैं क्या करूँगा? सुबह ऑफिस जाते टाइम आपको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा। नहीं, अच्छी जगह है। नहीं, वो वहाँ गया तो? नहीं, वहाँ कोई नहीं आएगा, वो बहुत सेफ जगह है। अरे वहाँ टीवी भी है। हाँ नहीं जो रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मैं एकदम चुप रहूंगी। चूहे के जैसे मम्मी ने सिखाया मुझे, नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बाहर आओ, खाना खा लो। सना प्लीज। तो कचरे में से क्यों खा रहे हो? पागल हो क्या? खाना है ना फ्रिज में। और दो बस, नहीं और चाहिए तो बोलो। इतना ही था, काफी होगा? क्या भरोसा, तो अगरबत्ती की खुशबू को भी बदबू कहती हो? डर लगता है अगरबत्ती से। रियली? एक चीज सिखाता हुआ उससे डर भाग जाता है। एक हाथ से एक साइड नाक पे दबाओ ऐसे, हाँ, और दूसरे साइड से लंबी सांस लो, फिर दूसरा साइड दबा के इस साइड से भी छोड़ना है सांस को। करो आप करो।
अरे लीजिए लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए बाबा जी, आप लीजिए ये प्याली के लिए, ले जाओ बेटा, ये तुम्हारे हैं। हाँ ऐसे ही माने रखे है। थैंक यू, बहुत अच्छे कंडीशन में है, तुम्हारे दोस्तों ने कभी तोड़े नहीं? नहीं मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं था, मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे। दोस्त नहीं थे मतलब? सब दोस्त नहीं थे, मैं किसी के साथ बात ही नहीं करता था, ना कम बोलता था कि माँ डरती थी धीरे धीरे आवाज गायब ना हो जाए। और गेस्ट आते थे तो तुम बिस्तर के नीचे छिप जाते थे, नहीं तुम्हारी माँ बता रही थी। हाँ चाहे कोई कितना भी बुला ले बाहर ही नहीं आता था। I love you too. I love you too. I love you too. रुखसाना क्या हुआ? रुखसाना पास बता, थोड़ी देर की लग रहा छोड़ दे, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं नहीं रुखसाना, रुखसाना बच्चों की तरह वेट मत करो, बाहर आओ, ठीक हो जाओगी, अभी छोड़ दे। रुखसाना प्लीज मदद करने दो, तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कभी तो नहीं होता है, मैंने भी एक बार सॉरी।
तुम सबने मिल जाओगे। अंकित बचा लो अंकित, मुझे यहां बांध के रखा है, मारते गाली देते, खेते मैं कोई काला पोरी, मेरी मदद करो अंकित, मुझे यहां से निकालो अंकित, मुझे बचाओ अंकित, मुझे क्या चाहिए तुझे? हरामी साला, किधर से मिला ये? इसकी खबर चाहिए तुझे, क्यों बताऊं? मौका मांगता है, दाम क्या देगा? बच्चा देगा? बोल बोटे, देगा बच्चा? मेरी कोख में बीज डालेगा? बोल, बहुत आ गया ना तेरे अंदर, कुछ मेरे अंदर भी डाल दे, बच्चा दे दे। हे बोटे, तू बच्चा देगा? देना, देना, बच्चा, देना। सुभान हो बताला, कदम मरा तू गला। बेस में खैरी, कदियाती मुतदमीर शर्री, बेस में रब्बी, कदियाती मुतदमीर शैतानी, फल्खिल फिनाहु कबलाली, कबलाली, आवरा वाफी तू, या इलाही, कदियाती मुतदमीर शैतानी, फल्खिल फिनाहु कबलाली, कमाम कमाना, अलाना, अलाना, अलाना। आप बताएंगे? और देख झूठ मत बोलना, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तेरा कि जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी।
ठीक हो? डरा दिया था कल रात। क्या बना रही हो? नहीं मिला था ट्रेन, वो लास्ट नहीं लास्ट से पहले वाला। एक्चुअली बारिश तो काफी जोर से हो रही थी। चोर घुसा है, उनके डॉगी को भी जहर दे गए। इस बगड़ा से गले पे निशान क्या है? चलो खुश खुश नर्स गेट मी द इंजेक्शन बंद खुश बियानी गेट मी द इंजेक्शन Thank you.
ये क्या कर दिया? बहुत ढूंढा, नहीं मिला ना खून काटने वाला, वो नहीं मिला। ये छुरी से काट लिए? पागल हो क्या? ठीक हो जाए। शट अप। हाँ, लोगों को क्या कहूंगा अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता। हो, हाँ, लो। माफ कर दे। चलिए, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। रियली सॉरी, मैंने मेरी सिगरेट क्यों फेंकी? सिगरेट फेंक दिया तो मैंने भी मजाक में इसको छुपा लिया था। मैंने नहीं फेंका। आपने नहीं फेंकी? नहीं फेंकी आपने? नहीं फेंकी आपने? I love you too. Huh? I love you too. चाय पियोगे? हाँ। Call you back. Okay. बहुत फोन करती है तुझे। कौन? वो लड़की। उस दिन पूछ रही थी ना कितने बजे घर पहुंचे। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। उससे बात मत करना। नमस्कार अनुभव। रुखसाना नाम की लड़की को जानते हैं? कौन? कौन रुखसाना? ओए,
तो उस दिन मुर्दागर नहीं आया था उस लड़के के साथ? बताओ तेरे को, झूठ बोलता है? उसकी अम्मी का आपकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ओ अच्छा, वो? हाँ वो। हाँ लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? क्यों, वो आजकल आपके साथ नहीं रहती? क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो क्यों रहेगी मेरे साथ? उसकी अम्मी मर गई थी आपकी गाड़ी के नीचे आके। शायद आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी। सुसाइड था, सब जानते हैं। आप इल्जाम लगा रहे? नहीं, समझा रहे। वो लड़की आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है, इंसान नहीं है वो। क्या? पेरी है, बच्चों की कहानी वाली परी नहीं, इफ्रित की बेटी है। औलाद चक्र में पैदा हुई है, बहुत खतरनाक है, बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं उसे। आप पागल हो क्या? कौन हो आप लोग, हो कौन? हाँ, आपको अंदर किसने आने दिया? अरुणा बाबू। ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इधर आओ। अरुणा बाबू आप गलत समझ रहे हैं, वो परी नादान नाजुक लगेगी, आपके साथ इश्क फरमाएगी, मुंह का जाल बिछाएगी और धीरे धीरे आप उसके जाल में फंस जाएंगे। अरे क्या यार, तुम लोग किसी को भी घुसने देते हो अंदर? चलिए दादा, निकालो सबको, निकालो सबको। आपने उसे नहीं रखा, उसने आपको रखा। चलिए चलिए, क्योंकि वो कुछ चाहती है आपसे, और जिस दिन उसे वो मिल गया ना, बहुत प्यार से वो आपको कट करेगी। काट चुकी है।
क्या हुआ तुझे? वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको? क्या चाहिए क्या उसे? किसने किया है? वो लोग पता नहीं क्या क्या सब बकवास कर रहे थे, क्या कुछ कुछ उड़ा चक्र, कुछ इफ्रित, कुछ परी, क्या है ये सब? क्या है किस मुंह में बांध रही हो आप? किसने किया? क्या जाल बिछाए? किसने किया? वो सारा पूरा घर वाला भी छोड़ो, वो सब आप बताओ सुनिए, उसने धर लिया मुझे ना। हाँ, मैं छुप छुप के पीछा कर रहा था, मां कसम। तब मुझे नहीं पता ना उस हरामी को कैसे पता चल गया। हेलो हेलो, और किसने किया रे?
थोड़ा लेट घर पहुंचा। रात से ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सॉरी। हाँ ठीक हो। अभी कहाँ हो? घर पे हो? हाँ घर पे। कोई आ रहा है। एक मिनट होल्ड करो जरा। क्या? कोई है? कोई नहीं है। है? हाँ मैं अभी आया मैं। मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो। वो क्यों आई है यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज आप इस कमरे में रहो। हाँ प्लीज कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, समझी? प्लीज अभी आया मैं। मुझे लगा खोलोगे। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और बताया भी नहीं? डॉक्टर के पास गए? दिखाओ। ये कैसे डॉक्टर के पास गए? पट्टी भी नहीं लगाई है। घर पे बैंडेज है? नहीं रहने दो ना, ठीक है अभी। ठीक है मैं मिलाता हूँ बैंडेज। अब आओ मेरे साथ, आओ आओ बैठो। यहाँ इस रूम में बैठो। हाँ बैठो, लाता हूँ मैं। वैसे मैं कल बहुत गुस्सा थी तुमसे, कुछ जरूरी बताना था। कितने बार फोन ट्राई किया, फोन ही नहीं उठाया तुमने। अच्छा है कमरा। ये तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह, बताया नहीं कि तुम आर्टिस्ट भी हो। मेरा भी बना दोगे? हाँ। ऐसा स्केच। सिट हियर, कम। ये तुम चलो। हो गया। डर रहे हो? योगा करे? आप तुम मैं जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे तुम कहते हैं। सॉरी नो नो I'm sorry, मुझे शायद नहीं वो I should go. No, it's okay. You don't have to come. I'll go. आप वहाँ कैसे पहुँचे? छुपाने नहीं चाहती थी, तुमको कुछ बताने आई थी। छुपा तो तुम रहे थे। ये एक सच्चा फूल। यानी ऐसा नहीं है, प्लीज। क्या मतलब है? हाँ, सिर्फ एक गलती की वजह से आपको लगता है कि कुछ भी कर सकती हो? हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ चलो निकलो, निकलो यहां से। खुद नहीं जाओगी तो मैं धक्का मार के निकाल दो। नहीं जाऊंगी। आ,
माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दे माफ कर दे क्या लगता है बहुत कम जहर डाला है खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं फारिस बल्कि उसको मारने के लिए काला पूरी गलत थी इश्क लड़के को नहीं हुआ लड़की को गया उन्नीस सौ नब्बे में बांग्लादेश के सातखीरा इलाके में एक खबर ने दहशत फैलाई हुई थी खबर थी सातखीरा और आसपास के इलाकों से नाबालिग लड़कियों का गायब होना माना जाता था इन्हें अगवा करने वाला एक समूह था जिसका नाम था औलाद चक्रा इस समूह का मकसद था इफ्रत की नस्ल को आगे बढ़ाना जब ये शैतान हैवान की अफवाह फैलने लगी तो औलाद चक्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ कयामत आंदोलन इसके कर्ता धर्ता थे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली आम जनता इस आंदोलन के पक्ष में थी पर इनके तौर तरीके और कट्टर सोच की वजह से सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसे गैर कानूनी करार कर दिया दिखता नहीं है कनाई सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज इफ्रित इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख सकते हैं जिसकी वजह से इंसानी लड़कियां इफ्रित के बच्चे को जन्म दे सकते हैं
मकसद के बच्चे हमारे बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं बल्कि हिजरी कैलेंडर के 1 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे नाभि की डोरी और नाभि के बिना पैदा होते हैं। इन बच्चों के खून में जहर होता है। अगर 29 दिन में उन्होंने ये जहर नहीं निकाला तो उनका जहर उनको ही मार देगा। ये बच्चे सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और बच्चों को जन्म देने के लिए, शैतान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। बुला रही है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, बहुत डर लग रहा है मुझे। सॉरी, अगर मेरे पास यहां रहना है तो मेरे पेट में बच्चा है। आई लव यू टू। कोई रह रहा है? जा, दरवाजा खुला है। हाँ। बैठा क्यों है? जा बंद कर। अर्नब कोई आ रहा है? जा। Come on.
उनको मारने में लगता है, बता देंगे आपको। ओके क्या किया देखो कैसे जाहिल लोग हैं। रुको रुको रुको, देखो आखिरी मुलाकात हो गई ना, आखिरी मुलाकात ही सही। लगा इस आखिरी वाली को ढूंढने में, थोड़ा तड़प रख के मारने दो उसको, इसकी लायक है। भाई बेटा देखो कौन आया है, दरवाजा खोलो। अर्णव ओपन द डोर। कमाल है, कब से दरवाजा खटखटा रही है और तुम हो के क्यों कर रहे हो ये सब? 3 हफ्ते से घर से नहीं निकले हो तुम, सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे तुम्हारे इस हालत के लिए। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या करती? Why is it suddenly my fault? तुम अभी बाहर जाओ और जाके सबको सच बताओ। तुमने बताओ तो मैं उस लड़की के बारे में, तब जाके शायद। लड़की नहीं है वो, राक्षस है, इफ्रित की बेटी है। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, और कुछ घंटे बस। Do you love her?
बस इतना पता है कि मेरी वजह से वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे छोड़ के आ गया मरने के लिए। तो राक्षस कौन हुआ, वो या मैं? अर्णव, राक्षस हम सबके अंदर है। तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी मेरे उस लड़के के साथ अफेयर के बारे में? वो बाइक वाला डॉक्टर, वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी, शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर एक दिन सडनली उसने फोन करके बोला उससे नहीं हो पाएगा। बस इतना ही, फिर मुझे अकेले करना पड़ा। तीन महीने हो गए थे, सोनोग्राफी में उसकी हार्ट बीट तक सुनी थी, जब भी पेट पे हाथ रखती थी तो फील कर सकती थी, अभी भी करती हूं। باسمي نوري باسمي خيري قد يأتمو تدمير شري باسمي ربي قد يتيمو تدمير شيطاني والي باسمي خيري قد يتيمو تدمير شري باسمي ربي تم آمانا أمروني دارك أيدي يحونا الآن 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 مذكركم سبحانه وتعالى باسم نوري قد أمرات ظلامه باسم الخيري قد يأتيمو تدمير شري أيقانا الآن 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 أيقانا الآن باسم الرب قد يأتيمو الإنهناه قبل لي وابن واحد لا إله أيقونا الآن الآن बोलो। यारी कहाँ हूँ? बस अभी अभी घर पहुँच। एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी, वो शादी अटक गई थी। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्यों, क्या हो गया? वो अभी जिंदा है, वो तुम्हारे पास आ रही है। क्या, तुम्हें कैसे? मेरी बात सुनो,
लिए भी दरवाजा मत खोलना, किसी के लिए भी, जब तक मैं नहीं आता। लंबी सांस लो, ऐसे लंबी सांस, हाँ, लेती रहो मैं संदेह करती हूँ।
धक्का लगा नीचे से और जोर से धक्का लगा। बच्चा मेरे पास छोड़ के चली गई। बच्चा? डिलीवरी के बाद मैं तौलिया लाने गई, वापस आई तो वो नहीं थी, पता नहीं कहां गई। पता चल जाता है जब मुझे शहर निकालना होता है, घर छोड़ के ले जाते हैं कभी। मुझे माफ कर दो रुक्सा, मैं डर गया था। वो मेरा बच्चा, उसे मेरे जैसा नहीं है, उसे मत देना। उस बच्चे की नाफे की डोरी थी, नाभि थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पैदा होने के पीछे इफ्रत की नफरत नहीं, रुखसाना का प्यार था। रुखसाना एक दिन कहीं से मेरी जिंदगी में आई और फिर वैसे ही चली गई, शायद उसी जगह